हेलो एवरीवन, आज हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 2.2 आज हम शुरू करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में सारे के सारे जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि इस तरह से एक लैंग्वेज दे रखी होगी क्वेश्चन में, उस लैंग्वेज पढ़ के हमें उसकी कंडीशन समझ के इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अगर हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर से, कोई नंबर है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम एक नंबर को मान लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाई 1/2, यू गेट 1/8, यू गेट मतलब इक्वल टू। चलो देखिए, इस पर हम सबसे पहले एक नंबर की बात का जिक्र कर रहे हैं, तो उस नंबर को मान लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नंबर था हमारा एक्स, अगर x में से हम 1/2 घटा देते हैं, ये x है, x माइनस हमने 1/2 कर दिया, ठीक है, x में से घटा दिया 1/2, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा अभी हमें पता नहीं, तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा जो भी आएगा 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 1/2 यानी इक्वल टू, यू गेट का मतलब क्या, इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, 1/8। अब हम इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से जो नंबर यानी एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। देखो 1/2 ब्रैकेट है यहाँ पे, तो 1/2 की मल्टीप्लाई बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। 1/2 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को एक्स से करेंगे, ये हो जाएगा एक्स और अपॉन में क्या रहेगा, 2, ठीक है, माइनस 1/2 को 1/2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, इक्वल टू में जो है 1/8 उसको हमने एज इट लिख दिया। ठीक है, अब माइनस 1/4, देखो ये इसके साथ एक्स के साथ तो 2 है, ये तो कहीं जाएगा नहीं 2, माइनस 1/4 ये दूसरी तरफ जा सकता है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबर को नंबर के पास ले जाना है और वेरिएबल को वेरिएबल के पास, ठीक है, लाइक टर्म्स को हमें सेपरेट करना है। अब एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू को हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, इक्वल टू जो 1/8 था, 1/8 हमने लिखा, माइनस 1/4 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1/4, ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब 8 और 4 का डिनोमिनेटर हम सेम बना लें, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका सेम बन जाएगा 8, कैसे, 8 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर हमारा आगे कितना, 8, ठीक है, तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाए तो 1 जा, जितनी बार मल्टीप्लाई करके ये आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 1 8, 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 1 प्लस 4 2 8, 4 2 8, तो 4 2 8, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, ठीक है, इक्वल टू जो चल रहा था हमारा x अपॉन 2 उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हमने जोड़ दिया, 1 प्लस 2 3 3 अपॉन 8, इक्वल टू x अपॉन 2 को हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब देखिए x के साथ ये 2 डिवाइड में, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, यानी 2 × 3 / 8, ठीक है, इसको हमें कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2 2 4 8, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है हमारी, देखो 1 × 3 1 3 3 और अपॉन में क्या आ गया, 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 अपॉन 4, तो जो हमें चाहिए था ये हमारा नंबर आ गया, तो वो नंबर क्या था हमारा, 3 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहो तो एक तरीके से और कर सकते हो, ठीक है, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई थी ना, मैं यहाँ से एक और तरीके से करता हूँ, जरा आप समझिए, मैं इस स्पेस में कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो जो हमने 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इस बार मल्टीप्लाई ना करके इसको 2 को इधर पहुंचा सकते हैं। देखो मैं एक बार ये लिख ही देता हूं, इसको आप और आसानी तरीके से, आपको जो भी मेथड समझ में आ जाए आप इसमें से आप वो चूज़ कर सकते हैं, मैं दो मेथड से इसको बता दे रहा हूं, ठीक है,
तो देखो वन बाई टू इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई में था, वन बाई टू इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में था, तो दूसरी तरफ चला जाएगा वो, यानी एक्स माइनस वन बाई टू, और इस ब्रैकेट के साथ ये टू डिवाइड में था, या ये कहें कि वन डिवाइड बाई टू टू था, तो टू को उधर पहुंचाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, टू अपॉन एट। ठीक है, ये टू इधर पहुंच गया मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ डिवाइड में टू, तो इधर पहुंच गया मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना ये ब्रैकेट के साथ है, इसलिए टू यहाँ डिवाइड में बोल रहा हूँ, अगर यहाँ बीच में प्लस माइनस लग रहा होता तो यहाँ नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, तो इस टू को इधर ले गए ऊपर, तो टू अपॉन एट आ गया, यानी कि टू वन जा टू, टू फोर जा एट, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाई टू, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं आई अभी, एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू वन बाई फोर। अब एक्स को हमने यहीं रहने दिया, एक्स के साथ ये माइनस वन बाई टू है, इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी वन बाई फोर प्लस का वन बाई टू। ठीक है, अब हमें यहाँ इनको जब प्लस तभी कर सकेंगे जब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर फोर, यहाँ पे टू है, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे भी हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बने, देखो डिनोमिनेटर अब यहाँ भी फोर बन गया, यहाँ भी फोर। ठीक है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नंबर आ गया हमारे पास वन बाई फोर प्लस टू बाई फोर। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर तो फोर है ये, तो ऊपर को हम जोड़ देंगे, वन प्लस टू कितना आएगा, वन प्लस टू आएगा हमारे पास थ्री, तो कितना आ गया, एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन फोर। तो ये एक्स था, इसको ऐसे रहने दिया, ये एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर लो ये भी करेक्ट है, ऐसे कर लो ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों में से आप कौन सा आपको मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, दोनों ठीक है, एक ही है। ठीक है,